हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुणाल गौतम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके भी खाता से 295 रुपये NACH मैंडेट करके पैसा कटता है तो यह पैसा क्यों कटता है, इसे कैसे बचाया जाए, कटते कटते आपका खाता अगर माइनस में चला जाता है तो क्या करें जो आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब बातों पर विस्तार करें क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपके भी खाता से अगर पैसा कटा है तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास आता रहे और घर बैठे आप बैंकिंग जानकारी लेते रहे। दोस्तों, बात करते हैं, जब भी हम लोग कोई सामान अगर खरीदने जाते हैं, जैसे कोई टीवी खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे, कोई बाइक खरीदे, तो आप देखते हैं मार्केट में एक चीज़ आम चला हुआ है, 0% लोन पे फोन, 1 रुपये में आपको बाइक मिल जाता है जो EMI के रूप में मिल जाता है। इसमें होता क्या है, जब भी हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसको EMI में कन्वर्ट कर दिया जाता है और किसी खास मंथ में आपके खाता से पैसा वो कटते रहता है। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, जैसे आपने 10,000 रुपये का मोबाइल अगर खरीदा तो आपके खाता में 2,000 रुपये का EMI बन गया कि हर मंथ 25 तारीख को आपके खाता से पैसा ये ऑटो डेबिट होगा जो EMI के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब लोग सामान मोबाइल खरीदने गए होंगे दोस्तों, आपसे एक कैंसिल चेक मांगा होगा, एक चेक मांगा होगा जिसको आपने साइन करके दिया होगा, साथ ही साथ आपसे एक फॉर्म पे साइन करा लेता है, NACH ECS मैंडेट फॉर्म होता है, वहाँ पे जब उस पर साइन करके देते हैं, इसका खासियत क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है कि आपके खाता से नेट जब वो 25 तारीख आएगा ऑटोमेटिक ये पैसा डेबिट हो जाएगा 25 तारीख को 2,000 आपके खाता से आराम से। तो होता क्या है, जब हम लोग लोन लिए एक दो मंथ कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर भूल जाते हैं तो एक दो गलती आप वहाँ से करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, या तो कैश आप फिनांसर को कैश दे देते हैं या किसी दूसरे अकाउंट से उनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस क्रम में क्या होता है, आपका जो मेन अकाउंट है जिससे पैसा कटता है उसमें पैसा रखना भूल जाते हैं और आपके खाता से जैसे चेक बाउंस होता है, चेक क्लियरिंग के लिए जो 295 रुपये वाला लगा ECS, जैसे एक बार बाउंस होता है तो आपके खाता से 295 रुपये वो काट लिया जाता है। दोस्तों, 295 समझा जाए तो अप्रॉक्स वो 300 रुपये के करीब होता है और कभी कभी कंपनी वाले जो चेक होता है क्लियरिंग में 3-3 बार लगा देते हैं, जिससे अप्रॉक्स आपका 900 रुपीज़ आपके खाता से कट जाता है और ये पैसा फिर आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये ECS क्लियरिंग के लिए कटा है और आपने खुद उनको परमिशन दिया था। तो इससे बचा कैसे जाए, कभी कभी क्या होता है, कटते कटते आपका खाता जो होता है वो माइनस में चला जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग किसमें क्या सब आपको ध्यान देना है। पहला बात, जब भी आप अगर लोन ले आपको ध्यान रखना है, जैसे 25 तारीख को अगर आपका EMI कटता है तो 25 से 5 दिन पहले आप अगर चले 20 तारीख को अपने खाता में जो लोन का जो EMI कटता है उतना पैसा आप अपने खाता में रख दे ताकि ऑटो डेबिट हो जाए, इससे कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी बात, जब भी आप अगर उनको कैश दे तो कैश उनको हरगिज नहीं दीजिए, उनको बोल दीजिए कि आपके खाता से पैसा ही ऑटो डेबिट कट जाएगा, क्योंकि ऐसा आए दिन होते रहता है जब आप बाइक वगैरह लेते हैं तो उस क्रम में। उसके बाद क्या होता है, आपके खाता से ऑटो डेबिट करें और उसी खाता से पैसा कट लें जिस खाता में आपने पैसा जमा किया है। तीसरा बात क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका लोन खत्म हो जाता है, एक आम बात देखा कि आपका लोन खत्म हो गया, सारा इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया, सारा EMI खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आपके खाता से 295 कटते रहता है क्योंकि आपने जो ECS मैंडेट फॉर्म दिया था उसको कैंसिल नहीं किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नहीं कराइएगा आपका खाता माइनस में चला जाएगा, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि आपका खाता माइनस में, उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, आपको अकाउंट बंद कराना पड़ेगा। उस क्रम में आप जब दौड़ते हैं बैंक, दौड़ते हैं इंश्योरेंस के पास दौड़ते हैं, उसका एक ही ऑप्शन है आपको करना है कि आपने जहां से सामान लिया था उनके पास जाइए और उनको बताइए कि मैंने जो सामान लिया था उसका लोन खत्म हो गया, जो ECS मैंडेट फॉर्म दिया था उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा उसको कैंसिल करवा दीजिए, जब वो कैंसिल हो जाएगा तो आपके खाता से पैसा कटना बंद हो जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। जब भी लोन पे सामान ले ECS कैंसिल निश्चित करवाए ताकि आपका खाता जो है वो माइनस होने से बच सके और बार बार 295 कटने से आपका पैसा सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।